एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम है जिला मुख्यालय सूरजपुर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ एक लिपिक ला 10,000 रिश्वत लेत रंगे हाथ गिरफ्तार करे हैं। गौरतलब हो कि जिला के रामानुजनगर तहसील अंतर्गत ग्राम साली के प्रधान अध्यापक सुखदेव नेताम कोनो प्रकरण में निलंबित रही से। निलंबित अवधि के वेतन और अन्य देयक भुगतान पर लगातार रामानुजनगर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में चक्कर काटत रही से। यही बीच वहां पदस्थ लिपिक एम बेग से उखर बात हुई। लिपिक हा रिश्वत लेके लंबित देयक के भुगतान करे में सहमति जताई। प्रधान अध्यापक सुखदेव नेताम हा पूर्व में ही लिपिक ला 15,000 रुपया रिश्वत दे चुके रही। फिर लिपिक द्वारा बतौर रिश्वत 10,000 रुपया के मांग लगातार करे जात रही। एक सूचना प्रधान अध्यापक हा एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकारी ला देहीस। एमा एंटी करप्शन ब्यूरो के टीम हा रणनीति बना के रंगे हाथ लिपिक ला पकड़ लेस। सुखदेव राम नेताम जो कि पूर्व में साली में पूर्व आदमी साला में प्रधान पाठक के पद पदस्थ रहे हैं, उनके द्वारा शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो बिलासपुर की गई थी कि वो 376 के एक मामले में पूर्व में उनका चलान हुआ था 2008 में, जिसमें वो जमानत पर थे। जमानत के पश्चात 2010 में उनकी बहाली कर दी गई थी। निलंबन पीरियड का जो पैसा था उसका एरियर बनना था 2.5 लाख रुपये। वो 2.5 लाख रुपये के एरियर राशि को निकालने के एवज में बीओ कार्यालय रामानुजनगर के जो अकाउंटेंट हैं और मरियानु देव उनके द्वारा 10,000 रुपये की रिश्वत मांगी जा रही है। कंप्लेंट पर हमने 17 तारीख को उसका सत्यापन कराया था। आरोपी और प्रार्थी भी आपस में बातचीत की थी, जिसको उसने 10,000 रुपये से कोई राशि कम नहीं थी। इस बात की जानकारी की रिकॉर्डिंग हमने कल ली करके प्रार्थी के द्वारा 19 तारीख को बताया गया था। तो आज के दिन हमने निर्धारित किया था ट्रेस के लिए और आज ट्रेस कार्रवाई की गई है। 10,000 रुपये रिश्वत लेकर के मरियानी देव जो अकाउंटेंट हैं धारा 7 PC Act 1988 संशोधन अधिनियम 2018। सर आपका अजितेश कुमार सिंह DSP SUB बिलासपुर।